बहुत ही सत्कार्यों अध्यापक साहिबान, प्यारे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एजुसेट स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम इस स्टूडियो से आपसे बात करेंगे कि मेडिकल स्ट्रीम अगर आप चुनते हैं, ऑप्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, और इन एग्जाम्स को देने के बाद, इन कोर्सेज को करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, यानी कि रोजगार के अवसर क्या हैं, आप क्या करेंगे, कैसे अपने को एस्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, पर ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि डॉक्टर बनना है। अगर डॉक्टर नहीं बन पाए तो उसके बाद उनको लगता है कि फिर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है हमारी लाइफ में, वैक्यूम है हमारी इस करियर की जर्नी में, वैक्यूम है। तो आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ढेर सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे रोजगार के अवसर हैं। ज़रूरत है इसके प्रति जागरूक होने की। यही जागरूकता आज इस स्टूडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और इन सब बातचीत को करने के लिए मैंने आप ही के बीच से, आप ही के बहुत ही प्यारे अध्यापक साहिबान को यहाँ आमंत्रित किया है, जो परमिंदर सिंह जी, जिनका नाम है, वो आज हमारे साथ स्टूडियो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमिंदर जी डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस काउंसलर गुरदासपुर से हैं, और काउंसलिंग के क्षेत्र में इनका बहुत लंबा तजुर्बा है। बहुत सारे बच्चों को इन्होंने काउंसल किया है। कई बार इतने पैशन है इनको कि अपने आप से भी ये बच्चों को, अपनी पॉकेट से भी खर्च करते हैं और बच्चों को एक सही रास्ता चुनने में बहुत मदद देते हैं। तो आज हम अपनी बातचीत बढ़ाते हैं परमिंदर सिंह जी के साथ, और बातचीत का मुद्दा रहेगा मेडिकल स्ट्रीम के ऑप्शंस और रोजगार के अवसर। परमिंदर जी, शुरुआत करते हैं आपसे ही। पहला मेरा सवाल रहेगा कि जो बच्चे मेडिकल स्ट्रीम चुनते हैं, 10वीं के बाद उन्हें चुननी पड़ेगी 10 प्लस ग्यारहवीं में, 11वीं। तो उनके क्या अवसर हैं? स्लाइड भी सामने है, इसके बारे में जानकारी दें। पहला तो मैं डॉक्टर श्रुति शुक्ला जी का बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने इस माध्यम राही बच्चों नू कैरियर गाइडेंस ते काउंसलिंग दे नाल नाल बच्चों नू अपने फील्ड चुन ली अज एजुसेट दे उत्ते मैनू बुलाया। सब तो पहला जिहड़े बच्चों लई सी, प्लस वन दे विच बच्चा जदों प्लस वन दे विच मैडिकल लैंदा तो उहनू हुंदा कि मैं डॉक्टर बनांगा। हाँ जी। तो डॉक्टर बनने लई लगभग हर साल 24 तों 25 लख बच्चे जिहड़े आल ओवर इंडिया नीट यूजी एग्जाम देंदे ने। उस दे विच लगभग साढ़े कोले 1 लख तों उपर शीर्ष ने, बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। तो जो 25 जिहड़े ने एम्स ने साढ़े कोले, 695 मेडिकल कॉलेजेस ने, तो इन्हां दे विच बच्चे जिहड़े ने सरकारी कॉलेजेस ते प्राइवेट कॉलेज दोनों मिक्स ने। जिहड़े बच्चे बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट ने वो एम्स दे विच ऑप्ट कर लैंदे ने, बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस दे विच ने, फिर प्राइवेट कॉलेजेस ने। जी, यहाँ पे ये चीज़ और भी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर ये लगभग है जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इससे बढ़ता भी जाता है ये आंकड़ा। तो अभी जैसे कि हाल ही में 5,150 सीट्स की बढ़ोतरी हुई है, तो बच्चों बताना ये चाह रहे हैं कि अगर आप ध्यान दें तो जरा आप देखिए, स्क्रीन पे भी देखिए, तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। खूब सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एम्स खुल गए हैं। एम्स को एम करिए तो आप जरूर कहीं ना कहीं लैंड अप हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेजेस भी ढेर सारे हैं, बहुत लगातार जो है ये सीट्स भी बढ़ा रही है सरकार। तो अगर आप इस आंकड़े को सामने रखेंगे, जरूर ये बात तय है कि बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, बहुत ही तगड़ा एग्जाम है, लेकिन आप ही जैसे बच्चे तो बनते हैं, आप ही जैसे बच्चे तो डॉक्टर बन के ह्यूमैनिटी को सर्व करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो आप जरूर बन सकते हैं। ये बहुत ही मोटिवेट करने वाली स्क्रीन है। तो अगर हम इसमें आगे चलें, अभी हम मेडिकल पर ही बात करते हैं, तो परमिंदर जी आप ये बताइए कि अगर बच्चे ने एग्जाम ये देना है तो नीट का ही एग्जाम देना पड़ेगा? बिल्कुल, नीट का जो कट ऑफ मेरिट है जी उसमें आना पड़ेगा जी, ठीक है। और उसके बाद ही उसकी सिलेक्शन होगी, जो काउंसलिंग होगी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में उसको जो कॉलेज मिलेगा उसी में उसकी एडमिशन होगी जी। लेकिन यहाँ पे मैं अभी अभी आपको एक बात कर रही हूँ जिसको आगे कुछ स्लाइड्स के बाद उससे जुड़ेगी मेरी ये बात, कि कई बार होता है बहुत से कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट भी किसी पैरा मेडिकल कोर्सेज में या किसी में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उसके लिए नीट में बैठना बहुत जरूरी है। नीट में अपियर
होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है परसेंटाइल कम में भी आपको अवसर मिल जाता है, तो इससे मैं ये बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि किसी भी हाल में नीट में बैठने का जो अवसर है उसको मत मिस करिएगा, है ना। बिल्कुल, कितने भी नंबर आ जाए, कोई भी हो, मेहनत पूरी करनी है, मेहनत पूरी करनी है जी। तो अब तो हर लगभग गुरदासपुर में पहले होता ही नहीं था नीट का एग्जाम, अमृतसर होता था, चंडीगढ़ में होता था, जलंधर में होता था, पर इस साल नीट के एग्जाम के लिए जो सेंटर है वो भी बन गया। वो बच्चों बच्चों की जो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, बच्चों की संख्या देखकर उस डिस्ट्रिक्ट में भी एग्जाम सेंटर बनने लगे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात। एग्जाम सेंटर इसलिए बढ़ रहे हैं कि देखिए नीट की अवेयरनेस बढ़ रही है, बच्चे जब अवेयरनेस बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, तो उतना ट्रैवल करके किसी दूसरे जिले में आए तो हम उसी जिले में भी सेंटर बनने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छे अवसर हैं, इस पे आपको आगे बढ़ना चाहिए, खूब सारी मेहनत करनी चाहिए। अगर मान लीजिए परमिंदर जी बच्चा नहीं कर पाता है उसमें MBBS मेडिसिन में नहीं आ पाता है, तो कैसे दांतों के डॉक्टर कैसे बन सकते हैं? जी, दांतों के डॉक्टर जो हैं इन ये भी सारे जड़े नीट दे थ्रू ही मैडम आ रहे हैं। इन्हां दी परसेंटाइल जड़ी है थोड़ा जड़ी है जो MBBS नहीं आया बच्चा तो अगे अपने आप नू डेंटिस्ट दंदा दे डॉक्टर बन ली उन्हां लई बहुत सुनहरी अवसर है, क्योंकि आने वाले समय दे विच जिहड़ी डेंटल सर्जरी है, क्योंकि दंदा दी प्रॉब्लम जिहड़ी है बहुत वध रही है, बच्चियां दे खाण पीण दी आदतां, क्योंकि बच्चे जिहड़े आ बचपन दे विच ही उन्हां दे दंद जिहड़े आ उह दंदा तों की उहनूं कहिंदे बहुत ज़्यादा रोग ने, ते जे आपां 40-50 साल की एज लीए तो मैक्सीम जो लोग ने उन्होंने दाड़ा दंद जिहड़े उह कढवाउणे पै रहे ने, ते उहदे विच जिहड़े एक डेंटिस्ट आ इन्ना महंगा इलाज हो गया। जे आप कह लिए जे एक MBBS डॉक्टर जिन्ना कमा रहा उस तो ज़्यादा डेंटिस्ट भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो जेडे बच्चे जे MBBS नहीं बन सकते जो वो डेंटल डॉक्टर बन जाते हैं, ये भी भविख बहुत आने वाली संभावना ने, भविख दी संभावना एज ए डेंटिस्ट बहुत ज्यादा ने। बच्चों एक बात और ऐड करूंगी, BDS की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात अभी परमिंदर जी ने बताई, लेकिन मैं एक चीज ये बताना चाहूंगी कि खाली बच्चे ही नहीं, आजकल जो हम जैसे लोग जो बुजुर्ग होने जा रहे हैं आगे, तो हमें भी अपने दांतों की बहुत ही देखभाल करने की तो आदत ही है। कभी थोड़े से जिसको कहते हैं ना कि हम बहुत घर को सजाते हैं, तो डेंटल भी इसमें भी, और पता नहीं क्या क्या नाम है इनके, टेक्निकल नेम्स हैं, कि हम उसको भी बेहतर करते हैं, खूब अच्छा डेंचर लगवा लें, दांतों में गैप है तो उसको सुधार लें, बहुत कुछ है दांत आगे पीछे निकलते हैं उसको सेट कर देते हैं, बहुत सारा चीज आजकल इसमें सर्जरीज छोटी छोटी हो रही हैं। यानी कि ये सब बातें बताने का मतलब ये है मेरा कि इसमें स्कोप बहुत बढ़ रहा है, जब स्कोप बढ़ता है तो जॉब के रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। आप डेंटल BDS जब करते हैं तो इसमें भी ब्रांचेस आगे निकल जाती हैं कि आप क्या एग्जैक्टली करना चाहते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा फील्ड है। दूसरी बात, एक खास बात यह है कि आप एक डेंटल चेयर अगर अपने घर पे रख लें, कई बार होता है आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तुरंत, आप करके आए ये कोर्स, तो आप इसमें BDS बाकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी MDS भी बच्चे कर लेते हैं जी, लेकिन अपनी चेयर लग के अपना काम शुरू कर सकते हैं और आपको अपना ही रोजगार मिल जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा अवसर है। तो बच्चों, मेडिकल स्ट्रीम बहुत अच्छी स्ट्रीम है, मेहनत तो करनी है पर जिंदगी बना देती है। हम आगे फिर अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। इसी तरीके से बात पहले मैं रखती हूँ सामने, परमिंदर जी आप ये बताइए, बहुत से बच्चे होते हैं कि मान लीजिए BDS भी नहीं कर पाए, MBBS भी नहीं आए, यानी कि नंबर उनके थोड़े कम हुए और उनको सीट सरकारी में नहीं मिली, तो कुछ और ऑप्शंस हैं उस पर बात करें हम। हाँ, इधर विच आपां फार्मेसी कोर्सेज ने जिहड़ी फार्मेसी की डिग्री है B Pharma जी, ते डिप्लोमा इन फार्मेसी, इधर विच है कि जो भविख दी संभावना जिहड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उहदे विच जाण लई सानू B Pharma जां फार्मेसी की डिग्री जरूरी है, उहदे बाद असीं मास्टर्स डिग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि जिन्ने जे आपां MBBS डॉक्टर नहीं बन सके तो उहदे लई जरूरी नहीं कि असीं इस फील्ड दे विच आउण लई होर कोई डिग्री नहीं रहेगी। जे असीं ठीक है बैचुलर डिग्री फार्मा दी कर लैने, B Pharmacy कर लैने आ, तो असी मेडिकल लाइन दे विच इंडस्ट्री दे विच असी जिथे मेडिसिन बन रही ने असी उहदे विच अपना योगदान पा सकते हैं, ते अपने लई अपनी कमाई दे साधन इनकम दे साधन जिहड़े आ उहदे विच असी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये भी चीज है कि इसमें क्या होता है, कई बार होते हैं कि जो बच्चे मतलब B Pharma करते हैं, जैसे BSc कुछ बच्चे कर लेते हैं, तो उनके 12वीं में भी नंबर अच्छे आने जरूरी। कई बार होता है बच्चों, आप लोग मेडिकल कई बार करते हो, आपको लगता है कि 12वीं को हम इग्नोर कर देते हैं, मेडिकल में पूरी जान लगा देते हैं,
लेकिन आपको जो इस तरीके के कोर्सेस करने होंगे कई बार, जहां पे 12वीं के नंबर के हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छे कोर्सेस के लिए दाखिला मिलता है, तो आप किसी भी हाल में आपको 12वीं को इग्नोर नहीं करना होगा। और कोई इतना फर्क नहीं होता है, ये हमारा माइंडसेट है। हम जो चीज सारा जो एग्जाम एंट्रेंस का होता है, ये आपके अपने ही सिलेबस से ही तो होता है, तो अगर आप इस पे भी मास्टरी रख लेंगे 11वीं और 12वीं में, 11वीं में जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, 12वीं में भी कल इस सारे कार्यक्रम को देख सकते हैं बच्चे, तो दोनों बच्चों को कहना चाहूंगी, जमातों के बच्चों को, 11वीं और 12वीं जमात को इग्नोर नहीं करना है, 100% बढ़िया रिजल्ट देना है, और इधर मेडिकल की पढ़ाई 11वीं से शुरू कर देनी है बहुत तगड़ी तरीके से, कि अगर वहां पे बात बन गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। फार्मेसी की जो बात कर रहे थे, तो अगर आप डिग्री करेंगे, 4 साल का कोर्स है, बहुत से लोगों को जॉब की बहुत ज्यादा जल्दी होती है, कि हम कोई घर के हालात ऐसे होते हैं या उनकी अपनी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, तो आप फार्मेसी में डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना काम भी, आप केमिकल केमिस्ट की दुकान वगैरह भी खोल सकते हैं, लाइसेंस मिल जाता है, आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, सब कर सकते हैं। और यहां मैं बताना चाहूंगी कि आजकल ज्यादातर देखा गया है कि अगर केमिस्ट की शॉप खोलनी है तो कोई बॉय ही खोलेगा, बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है, गर्ल्स भी इस फील्ड में आगे आए, अपना काम शुरू करें, उनके पास हुनर है, वो ये काम भी कर सकते हैं। अगली है कि आयुर्वेदा, आपको पता है कि हम एक बार कई तरीके की पैथी हैं जिन पे हम बात करते हैं, तो एक तो आपको मेडिसिन की एलोपैथी की बात हो गई, उसके साथ साथ आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, जैसे BHMS हो गया, BAMS हो गया, यूनानी हो गया, सिंधी, ऐसे बहुत सारे हैं, पर आजकल आयुर्वेद का थोड़ा सा कहते हैं कि बोलबाला हो गया है और वापस से हम उस ओर सोचने लगे, तो इसमें क्या स्कोप है बताइएगा। भारतीय संस्कृति का सब तो अमीर पक्ष आयुर्वैदिक मेडिसन, जो साड़ी संस्कृति सी, जो साड़ा पुराना इतिहास साड़ा, जो असी जदों असी संस्कृति नाल जुड़े, कुछ इलाज अजे ने जिहड़े आयुर्वैद दे विच ही संभव ने, जिहड़े आपां कहिंदे इंग्लिश मेडिसन दे विच ओह इलाज ही प्रणाली है नहीं, ते आयुर्वैदिक प्रणाली जिहड़ी आ जिहड़ी असी पिछले समें च भुल चुके सी, बिल्कुल, ते हुण ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਜੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਆਯੁਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈੱਡ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਫਟਰ ਡਿਗਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅਤੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਕੋ ਵੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਇਹ ਆਯੁਸ਼ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈ ਇਸਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਮ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੇ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮ ਬੈਕ ਟੂ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਰਸ ਕੀ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿ ਹਮ ਕਿਚਨ ਸੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਢੂੰਢਣੇ ਲਗੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਹਮ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਸੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੌਂਫ, ਇਲਾਇਚੀ, ਹਲਦੀ, ਐਲੋਵੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮ ਜੋ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਮੇਂ ਸੰਭਾਵਨਾਏ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਸਕਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਬੱਚੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਕਮਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਉਹਨੇ ਓਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਫਿਰ ਸੇ ਸਲਾਈਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੂੰਗੀ, ਖੂਬ ਅੱਛੀ 12ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲਾਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ अभी से 11वीं से आप नीट की तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट जरूर मिल जाएगा, और एक बार अगर आप एंटर कर गए इन प्रोफेशनल कॉलेजेस में तो आपका जॉब सिक्योर है। बिल्कुल जी, ये इसी तरीके से ये आई थिंक ये होम्योपैथी की बात है, तो परमिंदर जी आप इसमें क्या कोई खास बात बताना चाहेंगे बच्चों को? होम्योपैथी मेडिसन जो साडे परंपरावां दे विच जां जो चर्चा दा विषय कि होम्योपैथी पैथी मेडिसन जिहड़ी आ जे शरीर नूं कोई जे फायदा ना देगी ते नुकसान भी नहीं दिंदी, ठीक है, आम साडे चर्चा रहिंदी आ, ते जिहड़े बच्चे इस फील्ड दे विच होम्योपैथी दे विच आउंदे ने सरकारी जॉब्स भी ने, ते उहनां दी प्राइवेट प्रैक्टिस भी बहुत वधिया चल रही आ। मेरे नाल ही मेरे गुरदासपुर च मित्र ने जिहड़े
ਆਪਣੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ OPD ਆ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ OPD ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ OPD ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 300 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ OPD ਦੇ। जी, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि हम अपना प्राइवेट काम भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, सरकारी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बच्चों आपको बताना चाहूंगी कि अभी हमने BAMS की बात करी, BHMS, बहुत ही नेड़े तेड़े की ब्रांचेस हैं आपस में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लांट्स हर्ब्स को यूज करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं मेडिकल पर्पसेस के लिए, और बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट भी इसमें आता है। तो आप अगर नहीं हो मेडिसिन में अपर जो आगे की अच्छी मेरिट होती है तो वो एलोपैथी मिल जाती है, आजकल जो ट्रेंड हो रहा है, और थोड़े कम नंबर है तो ये है। एक जमाना था जब लगता था कि अगर हमने एलोपैथी में कुछ हमें नहीं अच्छे स्कूल कॉलेज नहीं मिले तो हम ये छोड़ दो, अगली साल ट्राई करते हैं, क्योंकि BHMS नहीं अच्छा है, BAMS नहीं अच्छा है, पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं अच्छे हैं। तो ये माइंडसेट अब चेंज करने की जरूरत है। सब कुछ अच्छा है, जो भी ब्रांच पकड़े उसमें 100% पढ़ाई कर लो, 100% नॉलेज गेन कर लो, तो आपको 100% श्योरिटी है कि आपको जॉब मिल जाएगा या आप अपना काम शुरू कर पाओगे। यही बातचीत आज हम यहाँ पे इस स्टूडियो से कर रहे हैं। इसके बाद आ जाती है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत अच्छी स्लाइड बनी हुई है, परमिंदर जी ने आप कुछ कहेंगे तो यही कहना चाहेंगे, स्लाइड में दिख रहा है, कुछ बताएंगे आप जी? फिजियोथेरेपी JSC डॉक्टर नहीं बन सके जी, ते बहुत जड़ी लोड आज दी जी, क्योंकि शरीर द ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਆਸਣ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦੇ ਆਸਣ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। बिल्कुल देखिए ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਭੀ ਵੀ ਜੈਸੀ ਹਮਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल ख़राब हो रही है, तो जैसे लाइफ स्टाइल ख़राब हो रही है तो कुछ ना कुछ हमें रोज़ के ही डेली बेसिस पे मसल्स पुल रहती है, पूरे टाइम सर झुका के काम करते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैक किसी भी लेवल की, कोई जिसको मन का कहते हैं, कहीं ना कहीं हिले रहते हैं, गैप हो जाता है। तो हम पूरी ज़िंदगी जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट के आसपास ही चक्कर लगते रहते हैं, या आपने खुद देखा होगा, महसूस करा होगा, वैसे अच्छी बात नहीं है। पर यहाँ पर इसलिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर हम आपके जॉब के रोज़गार के अवसर की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहना ये चाह रही हूं कि अगर आप फिजियोथेरेपी का बैचलर पूरी डिग्री कर लेंगे, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो आप इसके बाद अपना काम इजीली शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी बहुत अच्छा, लोग जो होते हैं आजकल घर पे भी टाइम लेते हैं कि हमें फिजियोथेरेपी करवानी है, किस जगह की करवानी है, काफी उन्हें नॉलेज हो जाती है और इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस और भी आपका ध्यान जाना चाहिए, चाहे पेपर पेन पे कहीं लिख लीजिए, जो मेडिकल के बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि ये देखिए आज 3 से 4 तक हम आपको डिग्री की बातें कर चुके हैं एलोपैथी के अलावा, न जाने और कितने शॉर्ट टर्म कोर्सेज की भी बात अभी आपसे क्विकली करेंगे, तो देखेंगे कि आप ढेर सारे अवसर हैं, कम से कम 15 से 20 अवसर आपको मिलेंगे जहां पे आप सेट हो सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं और रोजगार को ले सकते हैं। तो इसके पहले, वेटरनरी साइंस पे आने के पहले, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेके एक दो बातें ऐड करना चाहूंगी बच्चों। कुछ बच्चे होते हैं कि उन्होंने 12वीं भी नहीं करना है, 10वीं के बाद ही है, मेडिकल बेंड ऑफ माइंड है, यानी कि वो करना तो मेडिकल आगे कर लेंगे जब उन्हें मौका मिलेगा 11वीं 12वीं मेडिकल में, पर तुरंत उन्हें 10वीं के बाद रोजगार से जुड़ना बहुत जरूरी है, उनके घर के हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं। तो कई सारे जो छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो 10वीं के बाद भी हैं,
तो यहाँ पे मैं वो बताना चाहूँगी उन बच्चों को कि जैसे कि फिजियोथेरेपी का बाद में भी कोर्स होता है और 10वीं के बाद भी शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, आप असिस्ट कर सकते हैं, जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको असिस्ट करने में आपका कोर्स काम में आएगा। उसके साथ साथ टेक्नीशियंस बहुत सारे बनते हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी है तो मेन जो डॉक्टर या जो भी कर रहा है डिग्री होल्डर है उसको आप असिस्ट करने में आपको रोजगार और मिल जाता है, आपको जॉब मिल जाता है। डेंटल मैकेनिक होते हैं या जो डेंटल सीट पे बैठे हुए हैं उनको डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए भी आप 10वीं के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। इसी के बाद कुछ सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, उनमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी, ये स्क्रीन पे नहीं है पर मेरे पास ये कागज है, जैसे कि लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है तो इसमें बच्चे 10वीं के बाद ही सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके एंटर कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी में कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट कर सकते हैं जो असिस्टेंट्स खड़े होते हैं, डायलिसिस टेक्नीशियंस होते हैं उनको थोड़ी सी उसकी नॉलेज दे दी जाती है, डेंटल असिस्टेंस एंड नर्सिंग केयर। इन सारी जगहों पे 10वीं के बाद भी जो बच्चा कोई ज़रूरत आ गई है और उसे तुरंत जॉब लेना है तो छोटा कोर्स करके वो जॉब ले सकता है, आगे जाके वो 11th 12th कर ले, मेडिकल ले ले और इन कोर्सेस से जुड़ जाए, आराम से एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। और जो ये जिन जो टेक्नीशियंस मैंने बताए इनके भी जो 1 साल 2 साल 3 साल के कोर्सेज हैं, सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, उसी के हिसाब से उनको जो है सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर आप मेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी नॉलेज दूंगी, आप शायद मोटिवेट हो जाएं। अगर आप डायलिसिस आप जानते हैं किडनी फेल होती है तो डायलिसिस के लिए जाते हैं, बहुत नाम आपने सुना होगा, तो इसमें अगर आप 2 साल का कोर्स कर लेते हैं तो 15,000 से लेकर आपको अनलिमिटेड आगे तक इसका है, 300 पर मंथ 20,000 रुपये अगर 3 साल का आप कोर्स कर लेते हैं टेक्नीशियंस का। तो ये डिपेंड करता है कितने ड्यूरेशन का कोर्स करा है, उस तरीके की आपको जॉब मिल जाती है। तो ये सारे रहे 10वीं के बाद के, हम 12वीं के बाद के कोर्सेज की बात कर रहे थे आपको, हम लोगों ने यहाँ से बताया एलोपैथी नीट का मेडिसिन ले ली, मेडिसिन में नहीं तो बीएचएमएस कर लिया, बीएचएमएस के पहले ही डेंटल हो गया सेकंड कोर्स, थर्ड हो गया बीएचएमएस, देन बीएएमएस, ढेर सारे तो यही ऑप्शंस हो गए। अब ये अब नेक्स्ट स्लाइड जो आप 7वें नंबर की देख रहे हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस, यानी कि जो पशु को ठीक करने वाले डॉक्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, जो पशुपालन विभाग, पशुपालन विभाग बच्चों सारे कोर्सेज अजिहे आ जाते हैं जिहड़े असीं पशुआं दे नाल डील करते हैं जी। इहदे विच 5.5 साल का कोर्स आ, नीट के थ्रू असी इस कोर्स दे विच एंटर करना जी, ते 6 महीने की इहदी इंटर्नशिप आ जी, ते लगभग इस बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस करन तो बाद जी पिछले समय दौरान पंजाब दे विच लगभग जिन्ने बच्चियां ने बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस का कोर्स डिग्री की आ लगभग सारे पंजाब सरकार की जॉब लै चुके हैं। अच्छा जी, जी ओके। तो इहदे विच मैक्सिमम चांसेस ने, देखो इस जिहड़े वैटनरी डॉक्टर बनते ने क्योंकि पशुआं दे साडा रोज़ दा असी एग्रीकल्चर बेस्ड सारा साडा कारोबार है इत्थे पंजाब दे विच, ते आउण वाले समें दे विच सानू पशुआं दे उत्तों जिहड़ियां वख-वख चीज़ां चाहीदियां ने, असी पशु घरां दे विच वी रखे ने पालतू साडे जिहड़े जानवर ने, ते इस करके इस वैटनरी साइंस की आने वाले भविख के होर लोड़ वध गई है। बिल्कुल, ये साड़ियाँ जिड़िया आने वाले समय के नौकरी दी संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा वध गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आप आजकल के ट्रेंड को देखिए, बहुत ज़्यादा ये तेजी से बढ़ा है, जैसे कि डॉग्स मतलब कुत्ते दे प्रति प्यार, पेट्स लव जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करा है, लोगों को लगता है कि वो अकेला नहीं महसूस करते हैं, आजकल बच्चे ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं या कहीं दूर जॉब करते हैं, माता पिता के साथ नहीं रहते हैं तो उन दोनों को एक अकेलापन सबको लगता है, तो सबने डॉग्स रखना शुरू कर दिया है, काउज रहती हैं, बहुत सारे घर में पशु रहते हैं, तो पशु हैं तो उनका इलाज भी है, जब इलाज है तो ये सारे कोर्सेज हैं, जब कोर्सेज आप एंटर करेंगे तो जॉब भी है, तो आप इसमें भी अपना ध्यान ले जा सकते हैं। उसके बाद है ये नर्सिंग की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक फील्ड है, देश और साथ साथ विदेश में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। परमिंदर जी जानकारी दीजिए। BSc नर्सिंग तो अपन शुरू किया कि +1 +2 मेडिकल करके असी BSc नर्सिंग कर सकते हैं, नाल ही असी जिहड़ा BSc नर्सिंग आ 4 साल की आ, जे असी उहदे विच नहीं जाना चाहुंदे तो GNM जिहड़ी आ वो 3 साढ़े 3 साल की आ,
ANM ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰਸਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ GNM ਜਾਂ ANM ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। बहुत बहुत अच्छी बात है और बहुत ही अच्छे अवसर हैं और बहुत ही आजकल इसको ऑनर करते हैं, बहुत अच्छी निगाहों से देखते हैं। सभी तरीके के किते, सभी व्यवसाय, सभी तरीके के व्यवसाय बहुत अच्छे हैं। आजकल ये माइंडसेट हो गया है, जो भी हम चुने उसमें ईमानदारी से बहुत अच्छा रिजल्ट दें। और नर्सिंग का देखिए कि कितने सारे हॉस्पिटल्स रोज खुल रहे हैं, वो सारी एक चेन है, हम अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कितनी नई नई बीमारियां आ रही हैं। आपने देखा ही है कितना फास्ट फूड खाना, अपनी जैसी सिडेंट्री लाइफ स्टाइल बहुतों की हो गई है, ध्यान नहीं देते। इसीलिए योगा इंट्रोड्यूस करा गया है, रोज रोज अवेयरनेस सबकी बढ़ाई जा रही है। तो इन सबसे हो क्या रहा है, जब बीमारियां बढ़ रही हैं तो हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, जब हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं तो नर्सेस की लोड है, जब नर्सेस की लोड है तो इसी तरीके से इतने कोर्सेस शुरू हो गए हैं। अगर आप इन कोर्सेस को कर लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार से, अपने हालात के हिसाब से, तो आपको अवसर रोजगार के जरूर मिलेंगे। इसी तरीके से डेयरी टेक्नोलॉजी है, ये भी एक अलग तरीके का कोर्स है जी। हाँ, इहदी ड्यूरेशन जिहड़ी आ जी बीटेक ते बीएससी दोनों ने 3 तों 4 साल दी है ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ BSc ਡਿਗਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਅਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੇਅਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਡੇਅਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਆਪ ਨੀਟ ਕੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਮੇ ਅਪੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੈ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਆਗੇ ਬੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੀਟ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਨ ਪਸੰਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨਾ ਅਭੀ ਹਮਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪ BSc ਕਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਤਾਂ B.Pharma ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਜਾਂ BSc ਅਗਰ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਅਵਸਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਕੋਰਸਿਸ ਮਿਲ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਪਕੋ ਆਪਣਾ ਮਾਇੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਪੇ ਆਪਣਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, कहाँ पे देना। और अगर कुछ भी ना समझ में आए बच्चों, अभी भी कंफ्यूज हो, तो आपके अध्यापक साहिबान हैं, आपके स्कूलों में करियर टीचर हैं, वो आपको सलाह देंगे। ब्लॉक टीचर हैं, हर जगह बने हुए हैं, आप उनसे जानकारी लें, अपने टीचर से बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, और अपने जिले के आपके डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस काउंसलर हैं उनको लिखें, मुझे लिख के भेजिए। कोई भी तरीके का कन्फ्यूजन हो, हर इकलौता बच्चा भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और हज़ार बार उस बच्चे को गाइड करने के लिए बार बार तैयार हैं। नहीं समझ में आ रहा है फिर पूछो, एक एक बात पूछो बार बार, क्योंकि ये जो तुम्हारी जिंदगी है ये बहुत बहुमूल्य है, और उससे भी बहुमूल्य है ये 4 साल जिंदगी के, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, और 11वीं 12वीं तो इतने बहुमूल्य हैं क्योंकि ये आपकी जिंदगी बनाते हैं। तो हम सब, पूरी जो फोर्स है, पूरा शिक्षा विभाग है, सारे अध्यापक साहिबान हैं, आपके लिए हाजिर हैं, आपको काउंसिल करने के लिए। हम ये बात कर रहे थे, थोड़ा जल्दी समय को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये सारा क्विकली आप बता दें। मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी डिग्री आ, BSc रेडियोलॉजी दी आ, ते जिवें मैडम जी ने पहला ये नीट दे थ्रू आ रहे ने, ठीक है, ते जिहड़े बाकी जिहड़े आ आफ्टर 10th मैडम ने छोटे छोटे कोर्स एक एक साल दे दसे ने, उहदे विच सारे कोर्स एक्सरे दे भी आ गए ते दूसरे जी, ठीक है। तो इसके बाद एग्रीकल्चर का है, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर में आपको जैसे बताया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप उसके थ्रू जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। कितना पंजाब तो वैसे भी एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इसका
स्कोप है सुकोप है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा जगह सप्लाई होता है, तो हम कोई भी तरीके के इनोवेशंस ला सकते हैं। बीएससी करके एमएससी करें, बहुत कर सकते हैं। बॉटनी आप कर सकते हैं, अगर एग्रीकल्चर में नहीं करना है बीएससी एमएससी बॉटनी ले सकते हैं आप आगे, इसमें बहुत है। फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर का आप बिजनेस कर लीजिए, फ्लावर उगाइए। मशरूम लोग कर रहे हैं आजकल, ऑर्गेनिक खेती हो रही है, तो इन सबके लिए यहाँ पे पीएयू है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, है ना, ढेर सारे कोर्सेज हैं, तो बच्चों बहुत कुछ आप कर सकते हैं। इसी तरीके से फिशरी साइंस, फिशरीज है, हाँ जी, हाँ, फिशरी जड़ी है, मतलब असी आम देखते हैं कि फिशरीज अफसर हर जिले के फिशरी अफसर भी ने, तो जो लोग प्राइवेट तौर पर फिश दे वड़े वड़े उन्होंने पाउंड बनाए ने, जिन्हों के फिशरीज की अपने आप नू खेती करते हैं, जे लिखा लीए तो वो जो पाउंडस ने उन्होंने फिशरी की डिग्री की, तो असी बी एस सी बैचलर जो करते हैं फिशरीज की सरकारी जॉब के नाल नाल सानू प्राइवेट सैक्टर के भी ये बहुत ज़्यादा वड़िया संभावना। बिल्कुल ठीक है, तो इसी तरीके से ये टॉक्सिकोलॉजी, छोटी 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 बातों को आप बहुत डिटेल नहीं बताएंगे बच्चे, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्लाइड्स इसलिए हैं कि आपको दिखाने के लिए कि कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितने सारे रोजगार के अवसर अवेलेबल हैं, करना क्या है। ये देखिए मैं आपको घुमाती जा रही हूँ, बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन, आजकल बहुत ज्यादा डाइटिशियंस आपने बहुत सारे देखे, आप ये कोर्स कर सकते हैं, डाइटिशियंस के कोर्स होते हैं। आप बीएससी करिए, बीएससी में इस ओर चले जाइए न्यूट्रिशन का, बहुत अस्पतालों में जॉब मिल रहा है कि हर तरीके का, कब किसी का हार्ट की सर्जरी हुई है, किसी का कोई दूसरी तरीके की प्रॉब्लम है, उसको क्या न्यूट्रिशन देना है, हर हॉस्पिटल जो है न्यूट्रिशनिस्ट को रखता है। डाइटिशियंस के करके आप अपना अपना कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे अवसर हैं, लोगों की क्लिनिक खुली हुई है, लोग कंसल्ट कर रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है। तो देखिए कितना लगातार हम घुमाते जा रहे हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी है, बीटेक आप कर सकते हैं, इसमें आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आगे जा सकते हैं। इसी तरीके से देखिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, आईसर इंस्टीट्यूट आपको पता ही है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इसमें बहुत अच्छे नंबर लाना है तभी आपका दाखिला हो सकता है। और एक बार अगर आपने आईसर में एंट्री ले ली तो उसके बाद आपकी लाइफ सेट है, बिल्कुल सेट। एक बार एंट्री लेने की जरूरत है, तो बच्चों को यही परमिंदर जी मुझे लगता है कि हम मोटिवेट करें कि वो इतनी पढ़ाई करें कि वो एक बार दाखिला अच्छे जगह ले लेंगे तो उनको जॉब के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये सारी बातचीत थी जो हमने आपके सामने करी, एनवायरमेंटल साइंस है, मैनेजमेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, आप बॉटनी कर जाइए, एग्रीकल्चर में आगे बढ़ जाइए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी स्लाइड्स हैं इस तरीके की। लेकिन अंत में आप बताना, आपको ये चाहते हैं बच्चों कि आप का काम केवल एक है, अवेयर रहना, कंफ्यूजन को दूर हटा दीजिए अपनी लाइफ से, अपने आप से सोचिए आपको करना क्या है, और उसके बाद भी कुछ भी ना समझ में आए अगर आपको, आपने जितनी स्लाइड देखी आप सब भूल गए हो तो भी परवाह नहीं करनी है, अपने टीचर को पकड़ लीजिए, टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल से बात करिए, जैसा भी मैंने आपको बताया ब्लॉक टीचर से बात करिए। मैंने कोशिश करी है कि डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस काउंसलर के नाम हर गाइडेंस रूम जो बनाए गए हैं विद्यालयों में उनके बाहर लिखे रहें, ब्लॉक टीचर के लिखे रहें, करियर टीचर के लिखे रहें। इसके बाद भी कोई भी तरीके की जरूरत है, आप मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, मुझे जान के होंगे, मुझे डायरेक्ट कॉल कर दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट गाइडेंस काउंसलर को कॉल कीजिए कि हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मुझे नहीं पता क्या करना है। हर सिंगल बच्चे की काउंसलिंग करी जाएगी, शिक्षा विभाग लगातार इस ओर बढ़ रहा है कि हर बच्चे को गाइडेंस गाइड करना, उसको करियर के लिए काउंसिल करना, उसकी कोई समस्या के लिए भी काउंसिल करना, हम सब एक साथ एकजुट होकर आपके लिए तैयार हैं। फिर मिलेंगे किसी करियर काउंसलिंग के किसी दूसरे विषय के साथ, आपसे बातचीत करेंगे, तब तक परमिंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी, आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए हमें। और उम्मीद करती हूँ कि आप मेडिकल स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, हर बच्चा आज ही निश्चित करेगा कि उसे क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल।